जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार फिर से आज की इस नई सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पूरे हिमाचल में जेबीटी टेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा। उसकी जीके की आंसर की के साथ मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। सो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज सी को। आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आंसर इसके चेक कर सकते हैं। जीके के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे आज के इस पेपर में। सो जल्दी से आप अपनी आंसर की जो है वो एक बार चेक कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 121 क्वेश्चन था यहाँ पे, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या थी, करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बोन। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेस्ला कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है। तो टेस्ला कंपनी के जो वर्तमान सीईओ हैं उनका नाम है इलोन मस्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। देखिए, डे से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग टेट के एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी क्लेरिटी जो है वो थोड़ी सी कम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बोल्गा, ऑप्शन नंबर सी। बोल्गा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानियों से मिजोरम की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आइजोल, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटी हैं, वो आपने सारे पढ़ के जाने हैं। 126 है सबसे जो बड़ी हड्डी है, ठीक है, वो भी है। और टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 127, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वो टीबी के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम कवकों की यानी कि फंगस को हम स्टडी करते हैं उसको माइकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो उसको जो है वो इन्फेक्ट करती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, हाल ही में कितने बच्चों को 2024 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। और ये दिया गया है 26 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है दिया गया, 19 बच्चों को जो है वो ये दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी काशी के नाम से किसे जानते हैं, सभी जानते हैं मंडी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है, तो लोसर है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपका है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, IIT जो है वो आपका मंडी में है, NIT आपका हमीरपुर में है। नेक्स्ट है, कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका चंबा में पड़ता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डुंगरी नामक मेला कहाँ पे लगता है, तो 135 का ऑप्शन नंबर सी जो है कुल्लू इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, 2024 में अभी जो चुनाव हुए वो कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए, तो ये जो है वो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वोटिंग या इलेक्शन से रिलेटेड ही 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाते हैं इसको, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, 25 जनवरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024, किस भारतीय ने एक साथ 3 अवार्ड जो है वो जीते हैं, तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पेंसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर ने की, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिमला में बिगाड़ प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा, तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सैमुअल स्टोक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1887 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी समाज सम्मान योजना मानसिक पेंशन जो है वो किसे दी जाती है, तो ये दी जाती है जो 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में जो बंद हुए थे लोग, उनको ये दी जाती है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख आशय योजना, ये जो हिमाचल के वर्तमान CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा जो है वो ये योजना जो है वो नई स्टार्ट की गई है। इन बच्चों को जो है वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का नाम भी जो है वो दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 27 साल के बच्चों तक जो है वो इनको जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया था, तो काबरो वर्ड जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की राज सर्वाधिक लंबी तट रेखा है, कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात की है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं
ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम जो है वो किसके नाम के ऊपर रखा है? ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, कुल कितने उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कितने हैं टोटल इंडिया में? तो 25, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र की जो है वो कौन बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रश्मि गोविल। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर था। जल्दी से कमेंट करके आप बताएं कितने आपके जो है वो सही आंसर रहे। जल्दी ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे जल्दी से शेयर करूंगा। एक बार वीडियो को लाइक आप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।